चलिए शुभ संध्या आप सभी को। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करें। सभी लोग इससे पहले कि जल्दी से लाइव हो जाए, अच्छा दोपहर वाली क्लास नहीं चली, उसमें हुआ क्या था, थोड़ा सा कौन सा एक रोग चला है, आई फ्लू। तो दवा डालने के बाद मैं लेटा सो गए थे। ठीक है, जब तक देखा मैं क्लास तो लगाया था लाइव, लेकिन तब तक लेट हो गया तो वो क्लास को रद्द करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। ठीक है, थोड़ा सा आँख दर्द कर रही थी। हाँ, अभी तो दवा ववा ड्राप ड्रॉप डाले हैं, ध्यान सही है। ठीक है, वाक की समस्या की वजह से थोड़ा सा, जैसे विद्यालय से आए तो काफ़ी देर हो गया था दवा आँख में लगाए हुए। तो चलिए सभी लोग लाइव हो जाए। कहानी के दस नंबर की क्लास हम लोगों की चल रही है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं जहां से समाप्त हुआ है। चलिए तो सभी लोग लाइव हो गए हैं, अब हम लोग क्लास अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो लोग क्लास में लिख नहीं पाते हैं, ठीक है, जो लोग क्लास में लिख नहीं पाते हैं तो क्लास देखा करिएगा, और मैं जो है आपको पीडीएफ पे भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो पीडीएफ पे बहुत छोटी छोटी क्लास होगी, जैसे 10 मिनट से 15 मिनट के बीच। ठीक है, छोटी छोटी क्लास होगी, कुछ पीडीएफ के रूप में आएंगे, वहाँ से आप नोट्स अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तो वहाँ से नोट्स कर लिया करिएगा, यहाँ आप लोग लाइव में पढ़ लिया करिएगा। ठीक है, उसको मैं समझा दिया करूँगा थोड़ा सा विस्तृत करके और धीरे धीरे, क्योंकि लिखने की बात आई तो वहाँ थोड़ा सा लिखने वाला का काम आप तो फास्ट करेंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगता आप लोग को, बड़ा रिविजन, क्योंकि हमारी क्लास रिविजन वाली क्लास है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा समय इस पर बिताया जाए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बिताएंगे तो फिर होगा ये कि डेट आने तक शायद हम लोग रिविजन ना कर पाए। ठीक है, तो थोड़ा सा फास्ट रखना हम चाहेंगे, तो जो लोग जो है नोट्स करने में थोड़ा सा जिनको दिक्कतें आ रही होंगी
तो इसके पीछे छोटी छोटी क्लास हम रख देते हैं, 10 और 15 मिनट के बीच में, चाहे 10 मिनट की हो जाए, 11 मिनट की हो जाए, 12 मिनट की हो जाए या 15 मिनट की हो जाए, ठीक है, इससे बड़ी क्लास नहीं है। तो छोटी छोटी क्लास उस पर रखेंगे, क्योंकि अपलोडेड वीडियो होगा तो वहाँ पे आप देख लेंगे, ठीक है। कहानी 10 नंबर की आज क्लास है कहानी के ऊपर। फिर आज की क्लास का पहला प्रश्न है, स्वप्न साजिश और स्त्री, पहला कहानी संग्रह है स्वप्न साजिश और स्त्री, स्वप्न साजिश और स्त्री। चलिए, किसकी कहानी है स्वप्न साजिश और स्त्री, किसका कहानी संग्रह है? चलिए, कमेंट नहीं आ रहा है आप लोगों का, अच्छा आपका, ठीक है। गीता श्री, लवली, मालती जोशी, जया जादवानी, महिला कहानीकार में हम चल रहे हैं स्वप्न साजिश और स्त्री। 2017 में यह कहानी संग्रह आया है। विकल्प रख दिए हैं, विकल्प आपको दे दिया गया, गीता श्री, मालती जोशी, लवलीन और जया जादवानी। जिन्होंने गीता श्री आंसर किया है वो जो है बधाई के पात्र हैं, उनका बिल्कुल राइट आंसर है गीता श्री। ठीक, बहुत अच्छा। एक कहानी संग्रह है बोलरी कठपुतली, बोलरी कठपुतली, विकल्प यही है जो विकल्प था, ठीक है, जो आपके पास विकल्प दिया गया था बिल्कुल वही विकल्प है। चलिए कमेंट करेंगे, गीता श्री, मालती जोशी, लवलीन, जय जादवानी, विकल्प यही है। उनका गीता श्री ही ठीक है। चलिए और आगे, बहुत अच्छा, तो बिल्कुल बहुत अच्छा। मालती जोशी बिल्कुल राइट आंसर है, मालती जोशी जिन्होंने आंसर किया है बिल्कुल बधाई के पात्र होंगे मालती जोशी, बहुत बढ़िया। मुझे ही बार बार डांट मिलती है, मुझे ही बार बार, कहानी संग्रह किसका है, मुझे ही बार बार परेशान किया जाता है, मुझे ही बार बार
काम करने को कहा जाता है, चाहे जो भी इनकी समस्या रहा हो, बस मुझे ही बार बार, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जय जय आडवाणी, बिल्कुल राइट आंसर है, जय जय आडवाणी, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक। कहानी संग्रह है अंदर अंदर के पानियों में, अंदर के पानियों में कोई सपना हांफता है, किसका कहानी संग्रह है? अंदर के पानियों में कोई सपना कांपता है, अंदर के पानियों में कोई सपना कांपता है, किसका कहानी संग्रह है? चलिए, अंदर के पानियों में कोई कोई है, ठीक है, कोई सपना कांपता है, किसका कहानी संग्रह है? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सभी लोगों ने जय जादवानी ही आंसर दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार सभी लोग जो है बधाई के पात्र हो गए, जया जादवानी राइट आंसर है, ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है चक्रवात, चक्रवात कहानी संग्रह किसका है, चक्रवात कहानी संग्रह किसका है? चलिए, चक्रवात कहानी संग्रह किसका है? चक्रवात विकल्प हम जो दिए थे वही है, गीताश्री, मालती जोशी, लवलीन और जया जादवानी, ठीक है, गीताश्री, मालती जोशी, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर आया लवलीन, ठीक है, तो लवलीन का ही है, बहुत बढ़िया, अत्युत्तम। अगला कहानी संग्रह है प्रार्थना के बाहर, प्रार्थना के बाहर, प्रार्थना के बाहर, चलिए, प्रार्थना के बाहर, प्रार्थना के बाहर, विकल्प यही है, विकल्प इन्हीं चारों को रखिए, प्रार्थना के बाहर, विकल्प में इन्हीं चारों लोगों को रखिए, प्रार्थना के बाहर, चलिए, तो विकल्प अभी तक सही नहीं आया है, गीताश्री किसका है? गीताश्री, ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, रहमान धागा प्रेम का मत तोड़ो चक्का, रहमान धागा प्रेम का कहानी संग्रह किसका है, रहमान धागा प्रेम का कहानी संग्रह किसका है, रहमान धागा प्रेम का कहानी संग्रह किसका है?
बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर, बहुत अच्छा। मार्की जोशी, तो मार्की जोशी आंसर बिल्कुल सही है, आप लोग बधाई के पात्र बने। रहमान धागा प्रेम का जो कहानी संग्रह है वो मार्की जोशी, ठीक है। लेडीज सर्किल किसका है? लेडीज सर्किल कहानी संग्रह किसका है? लेडीज सर्किल चलिए लेडीज सर्किल कहानी संग्रह किसका है? अच्छा ठीक है, तो इसमें एक आंसर, एक ही आंसर सही आया है सरिता जी का, और इस प्रकार सरिता जी जो है पढ़ाई के पात्र हो गई हैं, ठीक है। इनका आंसर बिल्कुल सही आंसर है गीताश्री, ठीक है। गीताश्री का है ये, गीताश्री एक कहानी संग्रह है सहित सागर कमीशन आया, सहित सागर कमीशन आया, सहित सागर कमीशन आया बनाम समाज सेवा जारी है, बनाम समाज सेवा जारी। चलिए ये किसका कहानी संग्रह है? सलित सागर कमीशन आया बनाम समाज सेवा जारी है, ठीक, बहुत अच्छा। लवलीन का है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक। तो लवलीन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, कहानी संग्रह उससे पूछो, उससे पूछो ये कहानी संग्रह किसका है? इतनी बड़ी कहानी, हाँ इतनी बड़ी कहानी हो गई। सलित सागर कमीशन आया बनाम समाज सेवा जारी है, चलिए उससे पूछो कहानी संग्रह है, उससे पूछो। जो चर्चित लेखिकाएं हैं उनसे, उनके जो कहानी संग्रह है उसे आपको परिचित करा रहे हैं, ठीक है। जो थोड़ा सा कहानी लगता है पूछी जा सकती है, चलिए। तो इन्होंने आंसर किया जया जादवानी, जया जादवानी, तो जिन्होंने जया जादवानी आंसर किया है बिल्कुल राइट आंसर है, बधाई के पात्र बने हैं, ठीक है। जया जादवानी का है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वो तेरा घर वो मेरा घर, वो तेरा घर वो मेरा घर, किसका कहानी संग्रह है?
वो तेरा घर वो मेरा घर, कहानी संग्रह किसका है। विकल्प यही है वो तेरा घर वो मेरा घर, वो तेरा घर वो मेरा घर, कहानी संग्रह। बहुत बढ़िया। जिन्होंने मालती जोशी आंसर किया है, बिल्कुल राइट आंसर है, आप लोग बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो मालती जोशी, ठीक है, मालती जोशी, अगली कहानी है, 2018 में आया है, डाउनलोड होते सपने। डाउनलोड होते सपने, चलिए ये कहानी संग्रह किसका है? डाउनलोड होते सपने किसका कहानी संग्रह है? डाउनलोड होते सपने, विकल्प वही है, गीताश्री, मालती जोशी, लवलीन, जया जाधवानी। शायद आप लोगों के यहाँ बोर्ड पर दिखाई बंद दे रहा होगा। जया जादवानी, फिर गीताश्री, ठीक है। तो जिन्होंने गीताश्री आंसर किया है, बिल्कुल बधाई के पात्र में है, गीताश्री राइट आंसर है, डाउनलोड होते सपने गीताश्री, ठीक है, डाउनलोड होते सपने गीताश्री के। अगला कहानी संग्रह है औरत एक रात, अगला कहानी संग्रह है औरत एक, ये कहानी संग्रह किसका है? बहुत अच्छा, इनका एक और है या ई न जाने, ये भी इनका कहानी संग्रह है। तो इन्होंने कहानी संग्रह आप इतना ही देखिए, ठीक है, हाँ बहुत अच्छा। तो ये भी जो है बिल्कुल मालती जोशी का ही है, हाँ मालती जोशी का ये भी है, ये दोनों मालती जोशी का, ठीक है। दोनों मालती जोशी का, अच्छा रुक तो नहीं रहा है, यहाँ से तो बिल्कुल सही चल रहा है जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। ठीक है,
अगर सभी लोगों के यहाँ रुकेगा तब यहाँ से समस्या हो सकती है। अच्छा, पांच बार रुक गया लेकिन खांसी भी हो रही है, थोड़ा सा पंखे की वजह से खांसी हो जाती है। सभी लोगों के आरोग्य का तब यहाँ से समस्या होगी, ठीक है। और हाँ सर, एक आध बार ऐसा हो सकता है जैसे फोन डिस्टर्ब हो गया तो हो सकता है। चलिए, तो मैंने आज इतनी सारी कहानी आपके सामने रखी, ठीक है, जो कुछ नई कहानियाँ रही हैं। आते हैं थोड़ा सा चर्चित पे, ठीक है, थोड़ा सा चर्चित पे आते हैं। सांझ बाती किसका कहानी संग्रह है? सांझ बाती किसका कहानी संग्रह है? सांझ बाती किसका कहानी संग्रह है? बहुत अच्छा, बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों ने किया, सूर्यबाला। ठीक है, सांझ बाती कहानी संग्रह जो है सूर्यबाला का। महानगर की मैत्री, महानगर की मैत्री, महानगर की मैत्री, महानगर की मैत्री, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा है। सभी लोग बधाई के पात्र हैं। सुधा अरोड़ा, ठीक, सुधा अरोड़ा। बहुत बढ़िया, कहानियों पर दूर ये किसका है? कहानियों पर धूप, चलिए 1977 में आया है कहानियों पर धूप। कहानियों पर धूप चलिए, और लोग कमेंट करें। तो जिन्होंने जिन्होंने मेहरू निशा परवेज आंसर किया है, मेहरू निशा परवेज बिल्कुल राइट आंसर है, आप लोग बधाई के पात्र हैं, मेहरू निशा परवेज का ही है। अंधेरे की लहर कहानी संग्रह, अंधेरे की लहर कहानी संग्रह है। चलिए, अंधेरे की लहर कहानी संग्रह है, अंधेरे की लहर, अंधेरे की लहर कहानी संग्रह है। अंधेरे की लहर, अब विकल्प में ले लीजिए मालती जोशी, इंदुबाली या इंदुबाला जो भी आप कहते हैं, सूर्यबाला और सुधा अरोड़ा।
अच्छा ठीक सही हो गया। हाँ थोड़ा सा कभी कभी हो सकता है, ठीक है तो बिल्कुल सही जवाब है इंदुबाली, इंदुबाली। इंदुबाली का है अंधेरे की लहर, ठीक है। गलत पुरुष एक कहानी संग्रह है, गलत पुरुष। चलिए गलत पुरुष गलत पुरुष कहानी संग्रह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल मेहरू निशा परवेज, बिल्कुल राइट आंसर है मेहरू निशा परवेज। अब सही क्या है, यहाँ समस्या अब आ रही है, मैं देखता हूँ थोड़ा थोड़ा क्या समस्या है, ठीक है। मेहरू निशा परवेज बहुत सही आंसर आप लोगों ने किया है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हैवी क्वालिटी हो जाने की वजह से कभी कभी ऐसा कर देते हैं, ठीक है। ठीक है अब सही हो गया होगा, नहीं गलत पुरुष के बीच नहीं है, गलत आदमी है, सॉरी गलत आदमी कह रहे हैं, गलत पुरुष है, गलत पुरुष गलत लोगों के बीच नहीं है। गलत पुरुष तो जिन्होंने मेहरू निशा परवेज आंसर किया है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए लाल गुलाब किसका है, लाल गुलाब लाल गुलाब चलिए लाल गुलाब ठीक बहुत अच्छा बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बिल्कुल। आप पर आप लोग पढ़ाई के पात्र हैं कि आप लोग बिल्कुल बिना विकल्प का आंसर करते जा रहे हैं। लाल गुलाब मेहरू निशा परवेज ठीक है, मेहरू निशा परवेज बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए खत्म होने के बाद खत्म होने के बाद खत्म होने के बाद खत्म होने के बाद बहुत बढ़िया मणिका मोहिनी, ठीक है मणिका मोहिनी जो आंसर किए हैं बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही आंसर है, राइट आंसर है, बधाई के पात्र है आप लोग। मणिका मोहिनी मणिका मोहिनी
युद्ध विराम किसका है? एक कहानी संग्रह है युद्ध विराम। युद्ध विराम युद्ध विराम कहानी संग्रह लाइव पे आप टच कर दिया करिए स्क्रीन पे, थोड़ा सा अगर रुक जाए तो ठीक है। जब दोबारा देखेंगे वीडियो तो आपको ये समस्या नहीं दिखाई देगी, ठीक है, लगातार चलेगा आपको जहाँ तक। हाँ बिल्कुल, सुधा अरोड़ा राइट आंसर, सुधा अरोड़ा राइट आंसर हैं। चलिए कहानी संग्रह है, पारू ने कहा था, क्या कहा था पारू ने कहा था? पारू ने कहा था, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक ठीक, बहुत अच्छा। मणिका मोहिनी बिल्कुल राइट आंसर है, मणिका मोहिनी का ही है, ठीक है, मणिका मोहिनी। महानगर की मैथिली किसका है? महानगर की मैथिली, महानगर की मैथिली, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। काला शुक्रवार किसका है? काला शुक्रवार, काला शुक्रवार, हाँ बहुत अच्छा। सुधारो सुधारो, ठीक ठीक। दिशाहीन मैं, ये किसका कहानी संग्रह है कि दिशाहीन मैं किसका कहानी संग्रह है? दिशा दिशाहीन मैं किसका कहानी संग्रह है? ठीक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सूर्यवाला बिल्कुल राइट आंसर। कात्यायनी संवाद, कात्यायनी संवाद बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आंसर है। आधा कोश किसका है? आधा कोश, आधा कोश, चलिए आधा कोश। विकल्प दे दें, रीता शुक्ला, मुक्ता, नासिरा शर्मा, शारा राय, मुझे याद नहीं आ रहा, मुक्ता, मुक्ता का है,
ठीक है, मुक्ता। अच्छा इस घर उस घर, इस घर उस घर, तो मेरा घर वो तेरा घर, या क्या है इस घर उस घर, क्षमा शर्मा नमता सिंह जिन्होंने मुक्ता आंसर किया है वो बधाई के पात्र हैं, बाकी कोई निकल सही नहीं। मुक्ता तो मुक्ता का ही है, ठीक है मुक्ता का ही है। खुदा की वापसी लास्ट कहानी संग्रह है आपके सामने, खुदा की वापसी। अब खुदा की वापसी हो चुकी है तो कहानी संग्रह यहीं पे समाप्त होगा। खुदा की वापसी, किसका कहानी संग्रह है? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर सही है। नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा। चलिए कल हम लोग अलग से एक टॉपिक देख रहे थे थोड़ा सा संस्कृत का, थोड़ा सा उस टॉपिक में आज की क्लास उसी टॉपिक में रखा जाए, कल टॉपिक बदल लिया जाए, ठीक है। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोगों को बताना है। हरि वैकुंठ है, हरि वैकुंठम अधिष्ठिते, हरि वैकुंठम अधिष्ठिते। चलिए इसमें आपको विभक्ति बताना है, कौन सी विभक्ति बनेगी? हरि वैकुंठम अधिष्ठिते, हरि वैकुंठ में क्या करते हैं? षष्ठी सो जाते हैं, हरि वैकुंठे अधिशेषते, द्वितीया ही होगा। क्यों क्यों ऐसा होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति ही सही हो गया। अच्छा ठीक है, हरि वैकुंठम अधिशेषते, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति ही होगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे, अगर आपको सेते मिल जाए, अगर धातु रूप, धातु मतलब क्रिया, अगर धातु का रूप जो है आपको कौन सी धातु मिल जाए? सेते धातु मिल जाए, या तिष्ठति मिल जाए, तिष्ठत का मतलब बैठा हुआ, ठीक है, या बैठना, तो तिष्ठत धातु मिल जाए, या आस्ते धातु मिल जाए, ठीक है, आस्ते मतलब बैठना, बैठना ही हो जाएगा, ठीक है, आस्ते,
या आपको सेते मिल जाए, या तिष्ठति मिल जाए, या आस्ते मिल जाए, ठीक है। तो इन विभक्तियों में आपको आंसर देना है, सॉरी इन धातु रूपों में आपको विभक्ति बताना है द्वितीय, ठीक है। द्वितीय विभक्ति क्या बताएंगे? द्वितीय विभक्ति आपको बताना है। चलिए आस्ते मतलब रहना भी हो सकता है, हाँ अस्ति है, मतलब आस्ते क्रिया के रूप में देखा जाए तो रहना उपस्थित या निवासी हो सकता है, ठीक है। तिष्ठति माने बैठना, बैठता बैठना बैठने की क्रिया है। सेते सेते का मतलब है सोने की क्रिया, ठीक है, और ये रहने की क्रिया, सोने की क्रिया, बैठने की क्रिया, रहने की क्रिया, ठीक है। तो चलिए इसी में हम थोड़ा सा बदलाव कर दें, हरि वैकुंठम, हरि वैकुंठम अध्यास्ते, तो देखिए इसमें आस्ते आया ना, आस्ते, ठीक है, आस्ते इसमें कुछ जुड़ा रहेगा, उससे मतलब नहीं है, पीछे वाले से आप डिनोट कर लेंगे, ठीक है। आस्ते तो कौन सी विभक्ति लगाएंगे? ठीक, बहुत अच्छा, तो बिल्कुल ये भी लगा लेंगे, ठीक है, ये भी लगाएंगे, कौन सी विभक्ति? तो याद रखेंगे सेते, तिष्ठति और आस्ते, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा बदलते हैं दूसरे, इसको मिटाते हैं, ठीक है, इस पर फिर दूसरे दिन कभी पूछेंगे, एक ही पे ज्यादा प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा समय देकर किया जाएगा तो पता चलेगा आपने तैयार किया या नहीं। इस पे आएंगे, ग्रामाद, ग्रामाद आयाति, आयाति, चलिए इसमें भी व्यक्ति आपको बताना है, ग्रामाद आयाति, ग्रामाद आयाति, चलिए इसमें बताएंगे, हाँ अलग होने का सेंस है, ठीक है। पंचमी विभक्ति क्या है? अपादान वाली है ना, पंचमी विभक्ति क्या है? अपादान, वह गांव से आता है, ठीक है, गांव से आता है, तो यहां अपादान है और अपादान में सीधे सीधे पंचमी व्यक्ति लगाते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको बताना है धर्मात, धर्मात प्रमादति, चलिए इसमें भी व्यक्ति बताएंगे, इसमें भी विभक्ति बताएंगे,
अच्छा सर आवाज़ आ रही है, ठीक है, अच्छी बात है, आवाज़ तो जाएगी ही। धर्मात प्रमादति, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। प्रमाद मतलब लगा हो सकता है, ठीक है, नहीं लगा नहीं हो सकता है, प्रमाद मतलब विरोध हो सकता है, ठीक है, या असावधानी, असावधानी असावधानी मतलब ज्यादा धर्म को स्वीकार ना करना, असावधानी, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ भी विरोध ही है एक प्रकार से देखा जाए तो अपादान ही है यहाँ पर भी, तो आप कह सकते हैं कि पंचमी गुण है, ठीक है, पंचमी गुण। इसका अर्थ ले सकते हैं धर्म से असावधान, असावधान मतलब विरोधी होगा, ठीक है, असावधान, ठीक है। धर्म से असावधान या असावधान करता है, हाँ बिल्कुल, इसमें पंचमी विभक्ति लगी। तो जैसे अगर हम घृणा करें, ठीक है, घृणा, घृणा के लिए हम क्या लिखेंगे, जुगुप्सा लिखेंगे। अगर हम किसी चीज से जुगुप्सा करें, घृणा करें, तो घृणा में क्या होगा, दूर हटेंगे ना, अलग होंगे हम, घृणा का मतलब क्या, अलग होंगे हम, ठीक है। तो जुगुप्सा, इसको घृणा कहेंगे लेकिन संस्कृत में तो जुगुप्सा ही लिखा रहेगा, ठीक है, घृणा। विराम, विराम का मतलब क्या, रुकावट हो सकता है, ठीक है, या विराम ले लेना, कोई कारण से विराम ले लेना मतलब हट जाना, ठीक है, विराम का मतलब होता है रुकना। तो यहाँ भी प्रसन्न ने कह दिया कि दिल्ली जाने वाले जो प्रोग्राम थे उस प्रोग्राम पर हमने विराम कर दिया है, तो मतलब क्या, अलग हो गए, थोड़ा दूरी बना ली, ठीक है, रुके, तो यहाँ भी अलग का भाव आ गया। और प्रमाद, प्रमाद का मतलब है असावधान, प्रमाद का मतलब क्या है, असावधानी। तो असावधानी आप रखेंगे यहां भी आप दूर हो जाएंगे, ठीक है, उससे अलग होंगे, असावधानी करना, तो यहां भी आप उस वर्ग से दूर हो गए, चाहे जिससे प्रमाद करिए, ठीक है। तो इसमें देखिए प्रमाद है, थोड़ा सा पहचानना होगा, ठीक है, प्रमाद आयति इसमें जुड़ा हुआ है, प्रमाद यति, ठीक है, तो यहाँ प्रमाद है क्योंकि ये कह रहा है कि धर्म से अलग, ठीक है, या धर्म से असावधान है। तो अगर जुगुप्सा आ जाए, विराम आ जाए और प्रमाद आ जाए, ठीक है, तो आप कौन सा अपादान समझ लेंगे, ठीक है, कि भाई ये तो अलग होने की बात कर रहा है, अपादान हो जाएंगे। और अपादान किस विभक्ति में आता है, अपादान के लिए कौन सी विभक्ति है, अलग होने के लिए, हाँ तुलना के लिए भी आता है, ठीक है, बहुत अच्छा, इसने लिखा सर तुलना में भी पंचमी विभक्ति है क्या, हाँ तो तुलना में ही होगी, बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है, हाँ ठीक, बिल्कुल। तो ये आपको याद रखना है कि जुगुप्सा हो गया, विराम हो गया, प्रमाद हो गया, तो इसके लिए अपादान होगा, और चूंकि अपादान को हम पंचमी विभक्ति के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है, तो पंचमी विभक्ति हो जाएगी, बहुत अच्छा। चलिए दो तीन प्रश्न और रख लेते हैं, दो प्रश्न, ज्यादा नहीं, दो प्रश्न, ठीक है, दो प्रश्न। करना कुछ नहीं, एक चीज जान लीजिए, बस केवल जो आपके सामने प्रश्न रख देंगे इन्हीं प्रश्नों को केवल आपको दोहराना है, अलग से नया प्रश्न के चक्कर में नहीं पढ़ना है, बस इसको क्या करना है, केवल दोहराना है,
अनुभव आपको काफी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। गुरुकुले पठति, पठति गुरुकुले पठति में विभक्ति कौन सी है? चलिए सह विद्यालय विद्यालय पठति, दीपा जी ने कहा षष्ठी। षष्ठी क्यों होगा दीपा जी, षष्ठी क्यों होगा? अच्छा सरिता जी भी आ गई उसी में, तो बताइए षष्ठी क्यों होगा? बहुत अच्छा है, आपने ईमानदारी से जवाब दिया कि सर षष्ठी होगा, पर षष्ठी कैसे आपने जाना षष्ठी होगा? चलिए दीपा जी और सरिता जी दोनों लोग जवाब देंगे, ये षष्ठी क्यों होगा? अच्छा सरिता जी का ऊपर वाला में सप्तमी है और नीचे वाला में षष्ठी है, अच्छी बात है। और दीपा जी का जो है ऊपर वाला में षष्ठी है और नीचे वाला में नहीं, गलत कहाँ है आपको ये बताइए, गलत नहीं है, आप ये बताइए कि इसमें षष्ठी कैसे है उसको मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, इसमें षष्ठी कैसे है आप समझाइए। थोड़ा तर्क भी हम आपका सुनना चाह रहे हैं, मतलब किस तर्क से आपने इसमें षष्ठी कहा? ठीक है, चलिए नहीं आप कमेंट करिए, आप ये बताएंगे आपने किस बेस पर इनको जो है षष्ठी कहा। सरिता जी अभी कमेंट करेंगे कि आपने कहाँ किस नजर से इसको देखा तो षष्ठी हुआ, जैसे दोनों में सप्तमी। हाँ तो फिर सप्तमी होगा तो क्यों होगा ये भी आप थोड़ा हमको बताएं। पढ़ने से, अच्छा पढ़ने से, पढ़ने से इसको सप्तमी कहेंगे। वह जो है कि गुरुकुल में पढ़ती, सॉरी गुरुकुल में पढ़ती मतलब वह गुरुकुल में पढ़ता है या पढ़ती है जो भी है। ठीक है, तो कोई गुरुकुल में अगर पढ़ेगा तो मे लग गया ना, तो मे लगेगा तो कहाँ जाएगा, कौन सा कारक बनता है मे, मे कौन सा कारक है? वह या कोई भी हो अगर गुरुकुल में पढ़ता है तो मे जो लग, अच्छा आप ऐसे तो कह नहीं सकते वह गुरुकुल से पढ़ता है या वह गुरुकुल का पढ़ता है, ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते, जब भी लगेगा मे ही लगेगा। हाँ जब भी लगेगा तो मे ही लगेगा इसमें, और जब मे लगेगा तो कौन सा कारक बनेगा? हाँ मे पर में सप्तमी अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक है, अधिकरण कौन है, सप्तमी है ना। हाँ अधिकरण कारक को हम सप्तमी विभक्ति कहते हैं। ठीक है, संबोधन हमारा आठवां हो जाता है, तो क्योंकि वो आता ही नहीं है, ठीक है वो आपसे पूछेगा ही नहीं, तो संबोधन बताना नहीं, वो उसमें हे हारे रहता है
जिसमें आपको विस्मय बोधक चिन्ह भी लगा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए स विद्यालय पढ़ती, तो वो विद्यालय में पढ़ता है, ठीक है, तो यहाँ भी अधिकरण हो गया। सभी में दोनों में तो अधिकरण है, तो फिर अधिकरण कहाँ जाएगा, अधिकरण कारक कहाँ जाएगा, सप्तमी विभक्ति होगा, ठीक है। पाठशालायाम उपाध्याय शांति नहीं, सात विभक्तियां हैं संस्कृत में, सात विभक्तियां हैं, याद रखेंगे सात, और एक जो है संबोधन है, ठीक है, जिसमें प्रथम विभक्ति ही काम करती है, संबोधन में प्रथमा विभक्ति ही काम करती है, बस आगे ही लग जाता है, ठीक है, तो इसलिए वो विभक्ति में नहीं आता है, सात ही विभक्ति मानी होती है, छह विभक्ति कहाँ है, छह तो कारक है ना, ठीक है। संस्कृत में छह कारक हैं, विभक्तियां तो सात ही हैं। हाँ सप्तमी दोनों में होगी, ठीक है, सप्तमी दोनों में, अच्छा इसमें बिल्कुल बहुत, पाठशालायाम उपाध्याय संति, मतलब पाठशाला में उपाध्याय है, तो पाठशाला में उपाध्याय है, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, अधिकरण हो गया, ठीक। तो चलिए आज की क्लास हम लोग इतना ही रखेंगे, लंबी क्लास हो गई है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सप्तमी होगा अधिकरण, तो याद रखिए कौन सी विभक्ति जो है, कौन सा कारक जो है कौन सी विभक्ति के अंतर्गत आ रहा है, ये देखने की कोशिश करिए, ठीक है, ये याद रखेंगे तभी आप विकल्प सही कर सकते हैं। अब थोड़ा सा, बस थोड़ा सा जानकारी हो कि मतलब ये क्या बनेगा, सेंटेंस को सुधार, अर्थ न भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इन्हीं वाक्यों को आप बैठाने की कोशिश करिए, ठीक है। वह विद्यालय को पढ़ती, नहीं को तो नहीं हो सकता, वह विद्यालय पर पठती, नहीं पर तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो थोड़ा सा सेंटेंस लेंगे आपको बैठ जाएगा कि मैं रहेगा कि पर रहेगा कि को रहेगा, ठीक है, कि ने रहेगा। तो आज की क्लास हम लोग इतना ही रखेंगे, आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभरात्रि आप सभी को, ठीक है। एक हम लोग हम वीडियो अपलोड करेंगे, छोटा सा क्लास होगा, ठीक है, जो जब आप लोग क्लास में नोट्स नहीं बना पाते हैं, जैसे जो दोपहर वाली क्लास है, तो वहाँ से उसका छोटा छोटा खंड हम जो है पीडीएफ के माध्यम से, ठीक है, शेयर करेंगे, तो वो 10 से 15 मिनट के बीच का वीडियो होगा, ठीक है, छोटा छोटा वीडियो होगा। तो आज की क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।